तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैं हूँ रोहित शर्मा और आप सभी देख रहे हैं RS रोहित शर्मा ब्लॉग्स। तो अभी हम जा रहे हैं टाटा शोरूम को क्योंकि कार की फर्स्ट सर्विस है आज। तो अभी जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको कि अंदर क्या क्या होता है, वहाँ पे किस तरह सर्विस होगी, क्या क्या चेक होता है पहली सर्विस में। तो आओ तब। तो अभी पहुँच गए हैं यहाँ पे टाटा शोरूम, देखते हो तुम परे। तो ये लाते हैं अंदर गाड़ी, तब देखते हैं क्या होता है अंदर, क्या सर्विस कभी होती है, टाइम नंबर आता है, जल्दी लगता है कि लेट लगता है। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर था, अभी वो फिल्टर निकाला है, साफ करने ले गए। तो देख रहे हो तुम, यहाँ पे पूरा भी खोल रहे हैं, चेक करेंगे सारी गाड़ी। अभी मेरे को यहाँ आके पता लगा कि ये एक जस्ट जनरल चेकअप है, एक नॉर्मल जनरल चेकअप है। इसमें ओनली गाड़ी की चेकअप किया जाता है, तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी गाड़ी में क्या खराबी है एंड क्या ठीक लगता है आपको, क्या खराबी लग रही है, बस वही है। तो अभी देख रहे हैं आप, चला है काम, मैं आपको उसके बाद बताता हूँ। तब तक मैं तुमको दिखाता हूँ नीचे साइड डेंटिंग पेंटिंग होती है शोरूम में, यहाँ पे दूसरी कार को, यहाँ पर जो डैमेज कार है वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये है बोल्ट पूरी तरह खत्म हो गई। अब देखो यार, नहीं नेक्सॉन, ये पता नहीं किसके सबसे टॉप मॉडल है, पूरी तरह से खत्म कर दिए, क्रैक कर दिया। एयरबैग भी इसके निकल गए थे, अभी हवा चेक हो रही है यहाँ पे, कम जिसमें हवा वैसे करके हवा चेक करी जा रही है। तो अभी करवा दी पूरी फर्स्ट चेकअप, जो बोलते हैं फर्स्ट टाइम जो गाड़ी की चेकअप होता है बाहर बाहर से। तो मैं तुम्हें अपना रिव्यू बताऊंगा, मैं कितना सेटिस्फाई हो गया टाटा मोटर्स की से, केयर से एंड जो गाड़ी का काम किया उन्होंने। तो मैं आपको घर जाऊंगा, घर जाके आराम से बैठ के बताता हूँ क्या क्या मुझे अच्छा लगा, क्या क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट डे है, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वहाँ पे कैसा उनका रिस्पॉन्स था एंड क्या क्या उनकी कैसा कैसा उन्होंने किया। तो ये था जनरल चेकअप जिसमें गाड़ी में जस्ट फ्यूल वगैरह एंड एवरीथिंग चेक हुआ था होता है। तो मैंने गाड़ी में जब सब कुछ काम कराया तो वहाँ का स्टाफ एक तो आपको ट्रीट अच्छे से नहीं करता। ठीक है, मतलब आप कुछ कर रहे हो, आप वहां पे अपने कार ली है वहां से, तो आप उस वो आपको ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं वहां पे। मुझे बाकी कुछ ऐसा स्टाफ ढंग से आपको पूछता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम, एक बार पूछेगा फिर अपना ही उस अपने हिसाब से करेगा, फिर आपको पूछने के मतलब ही नहीं कि सर ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ, टेस्ट ड्राइव पे भी नहीं ले आते ये वो। एंड वहाँ पे एक ही चीज सी होती वॉशिंग, वहाँ पे धोने जो धुलाई होती गाड़ी की वो ही ठीक थी। तो पहले मुझे बोला गया कि आपकी गाड़ी में फ्री वॉशिंग नहीं है। उसके बाद ऐसा हुआ कि जब दूसरी कार वहां पे लगी उसके बाद बंदा आता है तब बोलता है कि फ्री वॉशिंग है, उस चक्कर में मुझे फिर से लेट करना पड़ा। ठीक है, तो वहां पे कुछ पता ही नहीं है, जब एक कार आई उसके पूरे डॉक्यूमेंट ढंग से रखते नहीं है कि क्या करना है इस कार का क्या नहीं है। तो बस यही था, बस वॉशिंग के लिए सही है। अगली बार दिखाऊंगा मैं तुम्हें कि क्या है क्या नहीं है वहां पे, मतलब अगली बार की सर्विस के टाइम। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अब मैं टियागो, जिनके पास टियागो है, टिगोर है, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस कार से रिलेटेड कई चीजें मैं बताता रहूंगा आप लोगों को, और कोई टेस्ट करना चाहते हो, कोई भी आप चैलेंज देना चाहते हो तो आप दे सकते हो कमेंट करके। तो होप यू लाइक
द वीडियो एंड एंजॉय द वीडियो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेक्सी बेबी.